भी सब्सक्राइब कीजिए और बाजू दिए हुए इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। ज़रूरी इतला, हमारा चैनल आसान अमलियात और मोबाइल नंबर सिर्फ एक ही है। अगर कोई हमारे चैनल का नाम बताकर रब्ता करते हैं तो वह धोखेबाज है, लिहाजा ऐसे लोगों से होशियार रहे। अस्सलाम वालेकुम, तलाए बरकातहू तमाम दोस्तों को, आसान अमलियात सबके लिए मैं तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त शेख रिशा खाई। दोस्तों, आपकी खिदमत में मोहब्बत का 16वां अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मोहब्बत के अमल की सीरीज बताते आ रहा हूँ, जुदाई के, दुश्मनी के, दुश्मन से बदले के, और तमाम अल्हम्दुलिल्लाह हर अमल की सीरीज जो है ना, पार्ट वन पार्ट टू, इसी तरह हमने 15 बताए हैं, ये हमारा 16वां अमल है। दोस्तों, आज हम बताएंगे मोहब्बत का अमल जो है, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा है, रूठे हुए शोहर को बुलाने के लिए, रूठी हुई बीवी को बुलाने के लिए। और अगर आप ये अमल जो है किसी के लिए भी कर सकते हैं, जो अपना भाई हो या अपने माँ हो, भाई बाप बहन, किसी के लिए भी, अपना रिश्तेदार के लिए, आप अगर वो घर छोड़कर चले गए, आप उनको बुलवाना चाहते हैं वापस अपने घर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये अमल कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ जायज़ मसले के लिए अमल होगा, नाजायज़ के लिए, अगर आप किसी अपने गलत काम के लिए, अगर अपने मकसद के लिए अगर आप अमल करते हैं तो आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे, अमल उल्टा भी हो सकता है। अगर मैं आपको बताना ये चाहूंगा इस अमल के दौरान आप जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अमल का सदका सदका वगैरह पहले निकालें, उसके बाद अमल की तैयारी करें। अमल बहुत आसान सा अमल है। हम छोटी एक आयत आपको कुरान आयत बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत को आपको लाहौरी नमक जो है, लाहौरी नमक आपको इसी बता रहा हूँ, इस तरह की नमक की डलियाँ ले लें, छोटी छोटी 60 डलियों के नमक की कंकरियाँ ले लें, और कंकरी पर, हर कंकरी पर आपको वला खद शरीफ 11 पढ़ना, 11 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़े, हर कंकरी पर आपको 7 बार पढ़ना, इसी तरह 7 कंकरी पर पढ़ेंगे, एक मरतबा फिर दुरूद शरीफ 11 बार पढ़ेंगे, फिर इसी तरह आपको 3 मरतबा पढ़ना है, पहले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर हर कंकरी पर 7-7 मरतबा पढ़ेंगे, इसी तरह फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 2 मरतबा हो गया, फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर हर कंकरी पे 7-7 मरतबा पढ़ेंगे, फिर इसी तरह फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, इसी तरह आप जो है ना 3 मरतबा पढ़ेंगे तो एक दिन का अमल मुकम्मल हुआ। इसी तरह आपको 7 या 11 या 21 दिन की नीयत से अमल आपको पढ़ना है। उमूमन देखा गया है 11 दिन की नीयत से आप अमल की शुरुआत करें, रोज पढ़ते जाए और सामने आग रहे, आग में जलते हुए आग में कंकरियों को डाल दें, वो जल जाए। इसी तरह आपको 21 दिन करना है, 21 दिन की नीयत से करिएगा, इंशाअल्लाह चाहा तो 3 दिन में, 7 दिन में या 11 दिन के अंदर अल्लाह चाहे तो आपके जो मकसद के लिए आप कर रहे हैं वो कामयाबी आपको मिल जाएगी। नीयत जो है 21 दिन की आपको कंटिन्यू करने, 11 दिन भी नहीं होते हैं जब तक वो ना आए, अमल को जारी रखें इंशाअल्लाह, अल्लाह के करम से जहाँ तक मैं देखा हूँ 11 दिन में ही कामयाबी मिल जाती है। अमल की शुरुआत कैसी है, वो दुआ क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। शुरुआत है दोस्तों, आप जुमेरात के दिन आपको शुरू करना है, फजर नमाज के बाद या इशा के बाद भी आप कर सकते हैं, अगर जुमेरात या पीर 2 दिन में मुंतखब कर सकते हैं, बेस्ट जो है जुमेरात होगा। और अमल करने से पहले कुछ मीठा बनाएं या फिर घर में अंदर मीठा बनाएं, या मासूम बच्चों को खिलाएं, या फातिहा खानी करें सिना गौसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से, या नहीं तो आप किसी भी गुरबा को, गरीब को कुछ भी सदका ज़कात रोटियां वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। चैनल को भी आप अमल की ज़कात जो है अल्हम्दुलिल्लाह दे भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर वगैरह मैं बता चुका हूँ और बताता हूँ, हर वीडियो में बता भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इसके एंड में भी आपको अकाउंट नंबर हम बताएंगे, आप उसमें भी देख के हमें डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो आपका हदिया होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कारीगर हमारा इंशाल्लाह आगे हम काम का, जो मकसद हमारा है, मैं बहुत सारे वीडियो के पहले बताया था कि जो आपका हदिया आएगा हम जो है आगे इंशाल्लाह जो ना फ्री इलाज के लिए कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा सा कार्रवाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह उस सिलसिले में आपका पैसा ये जमेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ मकसद के लिए होगा, बेकार नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, ये बात अलग है, और मसला जो है अमल की शुरुआत इजाज़त, तो अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ मकसद के लिए हमें इजाज़त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से आम है। अगर आप नाजायज़ के लिए और नाहक के लिए किसी गुनहगार को, गुनाह के लिए अगर किसी को करते हैं तो ये गुनाह होगा, आपकी सजा, इसकी सजा भी जो दो तक गुनाह होगा वो आपके सर होगा, आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे, और इसके हम कोई जिम्मेदारी नहीं, और आपको आगे जो है ना इसकी तकलीफ जो भी अगर उल्टा होना है तो भी उल्टा हो सकता है, और आप जब वो आने के बजे आप चले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, ये था मोहब्बत का अमल, ये चलिए आयत ये है, देख लीजिएगा, इस आयत को ही आपको पढ़ना है, दम करना है, आग में जलाना है, इसी तरह अमल कीजिएगा, और जैसे अमल कामयाब होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप दोबारा फातिहा खानी करें, ज़कात वगैरह दोबारा भी दें इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम तल्लाहि व बरकातहू।